हेलो सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूँ जासमिन और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो सबसे पहले अ हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो आज ये वीडियो होने वाली है चिल्ड्रंस डे स्पेशल, और हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी पनीर पफ, वो भी घर पे सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर अंदर। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम हमारे पनीर पफ की कवरिंग बना लेंगे। उसके लिए मैंने एक बाउल में फ्लावर डाला है यानी मैदा, उसी के साथ साथ मैंने इसमें कैरम सीड्स डाले हैं यानी अजवाइन, उसको हैंड्स के बीच में क्रश करके डालेंगे। उसके साथ साथ मैंने डाला है सॉल्ट, और इसके बाद हम डालेंगे घी। अब घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी से हमारे पनीर पफ में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे वो। तो हमें घी ग्रेजुअली डाल के मिक्स करना है, हमें तब तक मिक्स करना है जब तक सारा घी नहीं डल जाता और इसके क्रम्बी सा मिक्सचर नहीं हो जाता। तो बस अभी मैंने सारा घी अच्छे से मिक्स कर लिया। मैं आपको हैंड्स के बीच में प्रेस करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपका जो ये मिक्सचर है फ्लावर का ऐसे हो रहा है, इसका मतलब आपकी जो घी की क्वांटिटी आपके फ्लावर के अंदर बिल्कुल परफेक्ट है और आपकी पनीर पफ बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो अभी हम इसका एक हार्ड डो बना लेना है वाटर के साथ। वाटर को ग्रेजुअली ऐड करके हम इसका एक हार्ड डो प्रिपेयर करना है। आप चाहे तो बीच में थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं, जिससे आपको डो बनाने में हेल्प होगी। तो बस अभी आप देख सकते हैं हमारा हार्ड डो प्रिपेयर हो चुका है। मैंने आपको प्रेस करके दिखाया, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो अभी हम डो पे ऑयल से इसको कोट करके इसको अराउंड 20-30 मिनट्स के लिए रेस्ट होने रख देंगे कवर करके। तो अभी हम आते हैं हमारी फिलिंग के लिए। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल हीट किया है। जब हमारा ऑयल अच्छे से हीट हो जाएगा तब इसमें हम जीरा डालेंगे यानी क्यूमन सीड्स। तो जीरे डालने के थोड़ी देर बाद ही हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली, फिर हम डालेंगे इसमें गार्लिक, कुटी हुई लहसुन यानी, इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे जिंजर पेस्ट यानी अदरक का पेस्ट। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए सौते कर लेंगे। फॉर अराउंड 20-30 सेकेंड्स के लिए हमें इसको सौते करना है लो फ्लेम पे। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ अनियन, तो हमें अनियन को तब तक पका लेना जब तक कि ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता, और तब हम हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो अनियन अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। तो अभी मैंने इसके अंदर टमेटोज डाले हैं। हमें टमेटो को तब तक अच्छे से पका लेना जब तक टमेटो का सारा वाटर ड्राई नहीं हो जाता। तो मैं भी आपको ट्रिक बताती हूँ कि आप जब भी टमेटो किसी जब उसको वाटर ड्राई करना था उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें, इससे इसका जो टमेटो का वाटर है वो इजीली और काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाता है। तो बस अभी उसको थोड़ी देर और मिक्स करेंगे। एंड अभी हम हमारे बाकी के मसाले डालते हैं, विच इज़ रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, एंड टर्मरिक पाउडर। ये सब डाल के अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाने, वरना याद रखिएगा इस टाइम पे आपकी जो फ्लेम है वो लो पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो हमारे जो स्पाइसी है वो जल सकते हैं और उसका काफ़ी अजीब टेस्ट आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने इसको अराउंड 1-2 मिनट्स के लिए अच्छे से सौते कर लिया था कि हमारे मसाले धीरे पक जाएंगे। तो अभी मैं इसके अंदर कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। इस रेसिपी में आप वेजिटेबल अपनी चॉइस की ऐड कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी भी अपने अकॉर्डिंग आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम
कैप्सिकम डाल के इसको भी हम थोड़ी देर पका लेंगे अच्छे से। और अराउंड 2 to 3 मिनट हमें कैप्सिकम को पकाना है। अभी हम इसके अंदर हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो है पनीर। ये मैंने 200 ग्राम्स पनीर लिया है। ये मैंने पनीर को ग्रेट करके लिया है क्योंकि ग्रेट करने से क्या होगा, इवन पीसेस हो जाते हैं और हमारी फिलिंग करने में भी काफ़ी हेल्प होती है और ये मिक्स भी इजीली हो जाता है। तो अभी हम हमारे पनीर को जो हमने मसाला बनाया उससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि वो मसाले में कोट हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं ना अच्छे से मिक्स हो रहा है, तो उसको ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मसाला कोट हो चुका है हमारे पनीर में। तो अभी मैंने फ्लेम ऑफ कर दी, इसके अंदर मैं कोरिएंडर डाल रही हूँ, फाइनली चॉप कोरिएंडर। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रखिए इस टाइम पे जो फ्लेम है वो ऑफ पे है, फ्लेम ऑफ कर दी थी मैंने। कोरिएंडर मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा चीज डालेंगे। चीज़ डालना ऑप्शनल है पर चीज़ से एक और अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और जैसे हमने गैस ऑफ की हुई है ना, फ्लेम इज ऑफ, सो जो पनीर के अंदर हीट है ना, रेजिडुअल हीट, तो उसी के साथ ही जो हमारा चीज़ है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने डिश आउट कर लिया और हमारी पनीर की फिलिंग रेडी है। तो अभी हम हमारे पनीर पफ के लिए पेस्ट बनाएंगे जिससे हमारी हेल्प हो जाएगी उसको साथ में स्टिक करने के लिए। उसके लिए मैंने थोड़ा सा फ्लार लिया यानी मैदा, उसके अंदर हम थोड़ा सा वाटर डाल डाल के हमें उसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो ये हमारी कॉर्नर्स हेल्प कर स्टिक करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो हमें एक स्मूथ सा पेस्ट चाहिए। तो ये डो को मैंने 20-30 मिनट्स के लिए रेस्ट होने अच्छे से रख दिया सर, काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। इसको हम थोड़ी देर के लिए नीट करेंगे एंड हमें इसको रोल आउट करके इसके पोर्शंस लेने हैं, छोटे छोटे मींस बॉल्स बनानी है, या फिर आप उसकी लोइयाँ भी कह सकते हो, उसको लोइयाँ भी कह सकते हो। उसको पाम के बीच में रख के उसकी बॉल्स बना लेनी है। याद रखिए आपकी बॉल्स में लाइंस नहीं होनी चाहिए, हमें उसको अच्छे से, अगर आपकी लाइंस है ना उसको आप थोड़ा सा नीट करके उसको स्मूथ कर लीजिए। जैसे मैंने बॉल्स बना ली थी तो जो हमारा जो होता है ना काउंटर टॉप जिस पे भी आपको जो भी उस पर आप रोल आउट करेंगे ना उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और रोलिंग पिन को भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लीजिए ताकि जो हमारा डो है ना वो स्टिक ना हो। तो जो हमें इसको जो रोल आउट करना है ना, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसे ज़्यादा पतला कर दिया ना तो क्या होगा, ये जो आप फ्राई करेंगे ये पापड़ बन जाएगा, पर हमें पापड़ नहीं चाहिए। और अगर आपने इसको मोटा रखा तो इट विल टेक मोर ऑयल, काफ़ी ऑयली हो जाएगा, तो वो भी नहीं चाहिए। हम इसको मीडियम थिकनेस का ही रखना है। तो अभी हम इसके स्क्वेयर्स कट कर लेंगे। आप इसे किसी और शेप में भी बना सकते हैं, आप इसे ट्राइंगल में भी बना सकते हैं, या आपकी चॉइस। आज मैं इसको स्क्वायर में बना रही हूँ। हम इसके स्क्वायर्स कट कर ले रहे हैं, जो साइड्स का जो एक्सेस है ना, हम इसको बाकी के जो बॉल्स बनाएंगे उसमें रीयूज करके हम इसको वापस यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे हमारा स्क्वायर रेडी है ना, तो हम ऐसे करते करते हम बाकी सबके भी स्क्वायर्स कट कर लेंगे एंड फिर हम इनकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के लिए जो हमने पनीर फिलिंग बनाई थी उसको हम सेंटर में रखेंगे, थोड़ा अमाउंट, याद रखिएगा ज़्यादा मत रखिएगा वरना वो सील नहीं होगा। और एजेस पे हम जो हमने पेस्ट बनाई थी हम वो लगा देंगे एंड फिर हम दूसरे एजेस को दूसरे एजेस पे लिफ्ट करके उस पर पेस्ट कर देंगे और उसको पिंच करके हम उनके एजेस सील कर देंगे। तो जब हमारे एजेस अच्छे से सील हो जाएंगे तो हम फोक की हेल्प से उस पर डिज़ाइन बना देंगे। आप चाहे तो प्लेन भी रख सकते हैं, डिज़ाइन बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो हम ऐसे करते करते हम हमारे सारे पनीर पफ रेडी कर लेंगे।
तो मैंने सारे पनीर पफ रेडी कर लिए, उनको फ्राई करते हैं। जो हमारा ऑयल है वो मीडियम हॉट होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। बस जो हमारी जो फ्लेम है वो मीडियम हाई होनी चाहिए, इसका मतलब मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे करते करते हम हमारे पनीर पफ को तब तक के लिए फ्राई कर लेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं हमारे पनीर पफ बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो हम इनको निकाल लेंगे। मैंने एक प्लेट पर टिश्यू रखा है ताकि एक्सेस ऑयल भी ड्रिप हो जाए, एंड बस हम ऐसे करते करते हमारे सारे पनीर पफ फ्राई कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पनीर पफ रेडी है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, कि अगर आप घंटा ही दबाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा मेरी नई वीडियो आई है। तब तक के लिए अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ और अच्छा खिलाओ। And once again, happy Children's Day!